सुबह नाश्ते में ये एक गोली आपके माँ बनने के चांसेस को बढ़ा देती है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, महिलाओं की फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कैप्सूल के बारे में, एक ऐसी दवा के बारे में जो आपको माँ बनने में मदद करेगी। फिर से बनाएंगे। सुबह नाश्ते के बाद ये एक गोली आपको माँ बनने में मदद करती है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कैप्सूल के बारे में जो आपको माँ बनने में मदद करता है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट से, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर है ये एक कैप्सूल, जिसे हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि ओमेगा 3 का सेवन करोगे तो जल्दी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, या हमने ओमेगा 3 का सेवन किया था हमें प्रेगनेंसी रुक गई थी। महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही ये फ़ायदेमंद होता है। महिलाओं में क्या फ़ायदा करता है? सबसे पहला बेनिफिट होता है आपकी हेयर्स की, स्किन की हेल्थ, आपके नेल्स की हेल्थ को ये बना करके रखता है। यदि हम बात करते हैं फर्टिलिटी की, तो ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। अब हार्मोन बैलेंस होना एक बहुत बड़ी बात है। आपका ओव्यूलेशन का सही समय पर होना, यदि ओव्यूलेशन डिले हो जाता है, नहीं होता है, तो PCOD की समस्या बन जाती है। ओव्यूलेशन सही समय पर नहीं हो रहा है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, PCOD है तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। आपका साइकिल इरेगुलर है तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने से PCOD, आपका ओव्यूलेशन डिले हो जाता है, सही समय पर नहीं होता, यूट्राइन फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियम की थिकनेस सही नहीं बनती है, कम बनती है, मोटी नहीं होती है, या होती है तो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, या आपकी और भी अन्य समस्याएं आपके साथ बनने लगती हैं, तो ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। हार्मोन बैलेंस होंगे तो ओव्यूलेशन सही समय पर होगा, हार्मोन बैलेंस होंगे तो आपका साइकिल सही बनेगा। आपका साइकिल 28 दिन का होगा या आपका साइकिल 25 दिन का हो जाएगा। यदि आपका साइकिल बहुत लंबा और बहुत छोटा है तो हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बेस्ट है आपके लिए, आपको इसका सेवन करना ही चाहिए। नंबर दो है, ये आपके यूट्रस की हेल्थ को अच्छा रखता है। अब यूट्रस की हेल्थ कैसे? यूट्रस की हेल्थ होती है, लोगों की बच्चादानी होती है, फैल जाती है, PID की समस्या हो जाती है, POD हो जाता है, ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं इन्फेक्शन का, एसोसिएटेड आपने एक ओमेगा 3 की एक टैबलेट डॉक्टर ने और साथ में प्रिस्क्राइब कर दी, तो जो रिज़ल्ट होंगे बहुत ज़्यादा अमेजिंग होंगे। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके यूट्रस की हेल्थ में भी हेल्प करता है, अनचाहे फाइब्रॉइड्स नहीं बनते हैं, पॉलिप्स नहीं बनते हैं, आपकी एंडोमेट्रियम अच्छी क्वालिटी की बनती है, उसकी थिकनेस उतनी होती है जिसमें बच्चा अच्छे से चिपक जाए बच्चादानी की दीवारों में, तो ये आपके यूट्रस की हेल्थ में भी हेल्प करता है। उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण है, आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी होती है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, बहुत सारी महिलाएं OPD में आती हैं जो कहती हैं मैम अंडा ख़राब बनता है। उनके वर्ड्स यही होते हैं कि हमारा अंडा ठीक नहीं बनता, बहुत छोटा बनता है, बहुत बड़ा बनता है या ख़राब बनता है, अंडे ठीक नहीं बनते हैं। तो आपकी अंडे की क्वालिटी को बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। अंडे अच्छी क्वालिटी के बनना शुरू हो जाते हैं जब आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पुरुषों की, तो पुरुषों में ये स्पर्म की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देता है, क्वांटिटी को बढ़ा देता है, मॉर्फोलॉजी को ठीक कर देता है, DNA को रिपेयर कर देता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी खासियत हैं इसकी, तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन इस कारण से करना ही चाहिए।
यदि आप महिला हैं, यदि आप पुरुष हैं, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं तो ये तो प्रेगनेंसी के डाइट में इंक्लूड कर ही लीजिए। खान पान से भी आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फिश का सेवन कर सकते हैं, चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं, अखरोट का सेवन कर सकते हैं। इनमें अच्छी क्वालिटी में ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 पाया जाता है, और भी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन इन तीन चीज़ों में सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है। यदि आप इन स्रोत से नहीं लेना चाहते हैं तब आप सप्लीमेंट्स के रूप में भी ले सकते हैं। अब सप्लीमेंट्स हमें दिन के किस समय में लेना चाहिए? खाने के साथ लेते हैं तो बहुत बेस्ट होता है। सुबह नाश्ते के साथ आप लीजिए, आपने नाश्ता किया उसके बाद ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद आप इसका सेवन कर लीजिए, तो ये अच्छे से बॉडी के जो है रिस्पॉन्स करता है बॉडी को। या रात में आपने डिनर किया तो तुरंत उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इसका सेवन करना चाहिए। यदि आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, साइकिल अच्छा नहीं है, सही समय पे पीरियड्स नहीं आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या बताई गई है, यूट्रस अच्छी का शेप और साइज़ ठीक नहीं है, दीवारें उतनी मजबूत नहीं बनती हैं, ओव्यूलेशन सही समय पर नहीं होता, स्पर्म की क्वांटिटी नहीं ठीक है, क्वालिटी ख़राब है, क्वांटिटी कम है, आपको इसका सेवन करना चाहिए। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।